कृपा करवाओ कीर्तन कराऊं ऐसा पूरा जयपुर सजा दूंगा। किसी ने कहा लंदन में तो फूल होते नहीं है तो आएंगे कहां से, उगता ही नहीं है। मैं बोला बाबा हमारा बाप हमारा, मैं अमेरिका के फूल वाया लंदन मंगाऊं तेरे बाप का क्या जाता है। लंदन के फूलों से श्रृंगार कराऊंगा, लंदन के फूलों से श्रृंगार कि ऐसा कीर्तन अकेला अकेला भगत अपने बल पे करा सके। दोनों हाथ उठा के मिलके 1 2 3 4 छप्पन भोग बनाऊंगा तेरे खातिर सावरिया, छप्पन भोग बनाऊंगा मैं एक एक करके हाथों से खिला दूंगा, मैं एक एक करके हाथों से खिला दूंगा। लेकिन कीर्तन कराऊं ऐसा, ऐसा भैया कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास ऑटो रिक्शा के अंदर स्पीकर लगा के रिक्शे वाला चला रहा था इतिहास मस्ती में, और उसकी वीडियो पता कौन बना रहा था, BMW में बैठा हुआ सेठ। क्या समझे, जब बाबा का नाम होता है तो बड़े बड़े सेठ भी। ग्रंथ कहे बोलो राधे राधे, वेद कहे बोलो राधे राधे, कन्हैया को ये ना प्यारा लगे, कन्हैया को ये ना प्यारा लगे। आज नीम की खुशबू भी चंदन से कम ना रहे, और हमारे जयपुर का ये पैलेस भी वृंदावन से कम ना रहे। दोनों हाथ खोलना, जरा ताली बजाना, 1 2 3
उसने भी मेरे शाम को दिल से मना लिया। थोड़ी ना है, हम लोगों को जुड़ते हैं, मन्ने को नहीं बुलाया, मैं तो कोनी आऊं, मुझे इनविटेशन ही नहीं आया। जब धक्के खाते थे तब धक्के खाते अपने आप आ जाते थे, जब उसने धक्के बंद कर दिए, अब इनविटेशन चाहिए आपको है? बाबा के दरबार के लिए कभी न्योता मत समझो, न्योता एक बेटी को अपने बाप से मिलने के लिए इनविटेशन चाहिए क्या? एक बेटे को अपने बाप से मिलने के लिए इनविटेशन चाहिए? नहीं प्रेमियों, गाना ऐसी कृपा करना। और कुछ लोग हैं बुलाने जाओ ना, मैं तो गोनिया हूं। बोले क्यों? बोले हमारी उससे नहीं बनती। और बाद में पता क्या होता है, पहले तो आते नहीं, बाद में फेसबुक पे देख देख के छाती फूक रहे होते हैं, इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई, आगे इतना लोग किया, वो भी आ गए। अरे यार आ जाओ, गम के मारो सुनो सुनाए, मस्त रहने का नुस्खा बताए, जयपुर में कभी 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 आ जाता है, क्यों ना सारे दुख भुलाकर रंजिश भुलाकर सांवरे के दरबार में चला जाए। कब तक याद रखोगे अपने आप को? ऐसी कृपा करना तेरा कीर्तन कराता रहूं, ऐसी कृपा करना तेरा कीर्तन कराता रहूं, भजनों से सांवरिया मैं तुझे रिझाता रहूं, भजनों से सांवरिया मैं तुझे रिझाता रहूं। अगली लाइन अच्छी लगे तो शोर मचना चाहिए। कन्हैया मित्तल को कीर्तन में बुला दूंगा, कन्हैया मित्तल को कीर्तन में बुला। अच्छा, प्यार करते हैं आप सभी मुझे? क्या बात है, जयपुर में आऊं ऐसे कीर्तन कराऊं ऐसा, पूरा जयपुर सजा दूं, सब तेरी माया, मैं जो खड़ा हूँ सब तेरी माया है, मैंने जो पाया है सब तुमसे पाया है, मैंने जो पाया है सब तुझसे पाया है। एक बार जितना भी पुजारी एक बार खड़े हो, जो सारा ना आशीर्वाद देते, सारा ना, एकला मने नहीं सब ने। और साला सर के पुजारी एक ही बात बोलते हैं, भाई मौज करो, क्या करो, आवाज से जोर से बोलो, एक बार और बोलो, बोलो बालाजी महाराज की, जयपुर का सगड़ा लोग मौज करो, जय हो। मैंने हमने जो पाया है सब तुमसे पाया है, हमने जो पाया है ओहो तुझसे पाया है, मैं जहां खड़ा हूं
बड़े बड़ी हस्तियां पूछती है कि सालासर में प्रबंध कैसा है। दरबार में खड़ा हूं, उनको एक ही बात बोलता हूं, साहब मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, एक बार जाकर देख कर आओ। प्रबंधन देखा तो सालासर जैसा, सालासर जैसा। और सुन लेना, कुछ लोग परेशान होते हैं बड़े कि ये वीआईपी दर्शन क्यों होते हैं। सुन लो मेरी बात, बाबा मोहनदास जी, भगत शिरोमणि, जिन्होंने जीवंत समाधि ली, उनके भांजे दादा उदय राम जी, उदय राम जी के दो बेटे हुए इसरदास जी और कणी राम जी। बालाजी महाराज का आशीर्वाद क्या था सुन लेना, ये वीआईपी नहीं होते, समझना। आशीर्वाद था जो मोहनदास जी महाराज ने मांगा कि मेरे भांजे के पास आप इसी रूप में विराजित हो जाओ और सालासर से ना जाने की प्रतिज्ञा करो कि सालासर से बाहर नहीं जाऊंगा। और तीसरी चीज, सारी दुनिया का कल्याण करना मगर जो मेरे भांजे के परिवार के मार्फत आ जाए उसका बेड़ा पार कर देना। हम इन्हें जानते हैं तो हम वीआईपी नहीं हो गए। मेरे कुल देवता हैं, मेरे दादा परदादा इनके चरणों में धोख लगाते थे। मेरे दादा ने कहा था मेरे पिता को कि जय पुजारी से मिल लेना, मेरे पिता ने मुझे कहा था कि जय पुजारी से मिल लेना, आपके भी दादा ने कहा होगा जाओ रविशंकर से मिल लेना, जाओ अरविंद जी से मिल लेना। तो दादा की बात निभा रहे हैं। अब हमारा दादा वीआईपी था तो हम क्या कर सकते हैं साहब। ऐसी कृपा करना तेरा कीर्तन कराता रहूं, ऐसी कृपा करना तेरा कीर्तन कराता रहूं, भजनों से सांवरिया। और एक बात बताऊं, यहां पे जितने भी भगत आए, चाहे रिक्शा चलाता हो, चाहे मोटरसाइकिल चलाता हो, चाहे 100 रुपए का आदमी हो, चाहे खरबोपति हो, मेरे दिल से मान लेना, इन पुजारियों से बात करना शुरू कर देना, प्रेम करना शुरू कर देना, आपको भी खरबोपति बनने से कोई रोक नहीं सकता। उस दिन आप भी जाओगे उसी लाइन में लग के। ऐसी कृपा करना तेरा कीर्तन कराता रहूं, ऐसी कृपा करना तेरा कीर्तन कराता रहूं, भजनों से सांवरिया मैं तुझे निझाता रहूं, भजनों से सांवरिया मैं तुझे रिझाता रहूं। जग खुद पे, ये जयपुर वाले के, जग खुद पे लुटाता है मैं तेरे खातिर लुटा दूंगा, जग खुद पे लुटाता है तेरे खातिर लुटा दूंगा। जोर से गाना, कीर्तन करा ऐसा, बोलो इतिहास बना दूंगा, कीर्तन करा ऐसा इतिहास बना दूंगा, कीर्तन करा ऐसा। दो लाइनें और गा देना, मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत